वहीं कोरोना संक्रमण के बीच तीसरी लहर चुनौती होने के बावजूद भी पन्ना टाइगर रिजर्व में मॉनसून सफारी का लुत्फ उठाने के लिए काफी सैलानी आ रहे हैं। यहां एक ही सफारी में लोग टाइगर का दीदार कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप तिवारी की पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण में के कारण जहाँ अब ढील मिली है, तो वही पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बफर जोन में नाइट सफारी और मानसून सफारी चालू की है। तो वही पर्यटकों की भी रुचि अब दिखाई दे रही है। आइए हमारे साथ कुछ सैलानी, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मानसून सफारी पर आए हैं, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है, कितने जागरूक हैं, क्या उनने बफर जोन में क्या देखा है और पन्ना के बारे में पहले क्या सुन रखा था। सर क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। कहाँ से आना हो गया आपका? प्रयागराज। सर आज है मानसून सफारी, आपने विंध्याचल पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, क्या सुना है, आप क्या जानते थे इसके बारे में? इसके बारे में पहले तो दूर से ही जानते थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद तिवारी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो है बफर जोन में हम लोगों को जो है टाइगर दिखाया, हम लोगों ने टाइगर देखा। देरी हो गई हम लोगों को आने में, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन टाइगर हम लोगों ने देखा। और कोरोना की तीसरी लहर है, आप जंगल सफारी ही क्यों चुनी, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में सरकार मना कर रही है, तो आप एक जंगल के सुरक्षित सफारी समझ रहे हैं? अब सुरक्षा के अपने सुरक्षा गियर के साथ, मास्क सैनिटाइजर के साथ और सारी, अब लोग तो कोरोना जाने वाला नहीं है, लेकिन जागरूकता के साथ ही हम लोग इसका भी आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर। कई लोगों ने पन्ना के बारे में सुना है, आप क्या कहना चाहेंगे पन्ना के बारे में लोगों से कि पैटर्न के तौर पर पन्ना कैसा है, या कोरोना की जो तीसरी लहर है तो लोग घर से घर कहीं ना कहीं घरों से भी निकलना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जंगल सफारी कितनी सुरक्षित है और पन्ना कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, जैसे अपनी ख्याति के अनुसार आप कुछ बताएं। सारे पन्ना जैसा हम लोगों ने बाहर सुना था उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जंगल सफारी, नाइट सफारी या किसी के लिए एकदम सुरक्षित है। यहाँ कोरोना संक्रमण का भी इस समय केस कम है और लोग आए और यहाँ का आनंद लें। जैसा कि आपने सुना कि लोग आए और आनंद लें, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशी की खबर है कि पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में जहां कभी कोर जोन में एक भी टाइगर नहीं देखे जाते थे, ना बफर जोन में देखे जाते थे, लेकिन अब लगातार पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में टाइगरों का जो कुनवा बढ़ा है, उसके कारण बफर जोन में भी टाइगर देखे जा सकते हैं। इसलिए उत्तम कुमार शर्मा जो फील्ड डायरेक्टर हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के, उन्होंने बफर जोन में सफारी चालू कर रखी है, ताकि सैलानी, एक जंगल सफारी सुरक्षित होती है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता है, तो लोग निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बफर जोन में भी पर्यटकों का लगातार आना चालू और एक ही सफारी में टाइगर के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़।